तपस्या करते थे, जल के नीचे वो तपस्या करते थे। वो स्थल भी यहीं पास में, यहाँ जैसे आप लोगों ने सुना यहाँ की लीला किस तरह से कृष्ण की सर्वोत्तम लीला है रासलीला। उसके बाद को किसी को अगर तुलना है उसके नीचे तो एक गोवर्धन धारा लीला, एक कालियादमन लीला, ये दो प्रधान लीला है। दोनों में जो कृष्ण की विशेष रूप से भगवता प्रकट हुई है इससे गोपियाँ आकर्षित हुई है, रासलीला के लिए प्रस्तुत हुई है ये दोनों लीलाओं को देख के। जिस तरह से गोवर्धन धारण लीला बहुत ही श्रेष्ठ लीला है, कालिया दमन लीला भी बहुत श्रेष्ठ लीला है। कालिया यहीं हलद में रहता था, जो जमुना जी हैं इससे जो थोड़ा सा हट के जब नदी का धारा प्रवाह नदी जब बहती है पास में जो कोई कुंड टाइप का होता है या कुछ गड्ढा टाइप का होता है उसमें पानी भर जाता है और उसके बाद में वहीं जो उसको हलद बोलते हैं, जमुना का अंदर नहीं, जमुना से थोड़ा हट के ये था हलद था, जमुना बोले पास में यहाँ बह करती थी। इसका ये जो कालिया था ये जानता था कि सौरी ऋषि के श्राप है कि गरुण यहाँ आएगा नहीं। गरुण और कालिया दोनों का शत्रुता थी, ये तो बहुत पीछे की कथा है इसको मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो शत्रुता थी इस कारण यह आया था कि यहाँ गरुण का प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि श्रापबद्ध है, अगर यहाँ आएगा तो मारा जाएगा। इस कारण यहाँ वो आके कालिया नाग यहाँ रहता था और ये इतना विषैला था कि इससे समुद्र यहाँ बहुत दूर तक वहाँ वर्णन है कि वहाँ तो कई किलोमीटर बता रहे हैं, कितने जो योजन तक बता रहे हैं कि उतना इतना प्रभाव था विष का कि जो इसका जमुना का जो जल था वो खौलता था और पास में जितने भी कोई भी हरा भरा वृक्ष नहीं था सब इसके विष के प्रभाव से जल गए थे। ये बता रहे थे कि जैसे पक्षी ऊपर से जाते तो अभी इसके विष के प्रभाव से जल के गिर जाते थे नीचे। इस तरह से ही हलद में रहा करता था। अब जो कृष्ण गौचारण लीला इत्यादि कर रहे हैं करके सबको धन्य धन्य कर रहे हैं। कृष्ण की जो विशेषता ये है कि हर लीलाएं ही मंगलकारी हैं, हर लीलाओं में वो क्या कर रहे हैं सबको धन्य धन्य कर रहे हैं। कृष्ण ये बाल अवस्था में है, अभी गौचारण उन्होंने शुरू ही किया है, उसमें वर्णन आता है। धन्य यम यद धरणी त्रिण बीरु ध्वस्त पाद स्पर्शो घुर्मलता कर जा विमिष्टा नद्यायो अगमिर्गा सदावलोक गोप्यंतरेण भुजोपीयते स्पृहा श्री सुखदेव संबोधन के। धन्य यम यद धरणी, कृष्ण के चरण स्पर्श से जब कृष्ण गौचारण के निकलते हैं ये पृथ्वी धन्य हो रही है। कृष्ण के कर्जा उंगुलियों का स्पर्श से क्या हो रहा है, लता पताएं सब धन्य हो रहे हैं। कृष्ण की जो दृष्टि के दृष्टिपात इधर करते हैं उधर जो है सब दिशाएं धन्य होती हैं। कि कही वो पृथ्वी रह आनंदे प्रकाश तुम्हें नित्य करीब मिलिया तर्पदास पल तब पद तले फंडी वे पृथ्वी और मंगल दृष्टि मात्र चतुर्दे की हवे सुनिमल। ये देवता लोग महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं कि आपकी दृष्टि मात्र से सब दिशाएं निर्मल हो जाएगी, आपके पद तल से पृथ्वी धन्य हो जाएगी। वैसे ही कृष्ण के लिए यहाँ वर्णन है कि जो जा रहे हैं तो एक एक चीज़ को धन्य कर रहे हैं और गोपियों को जो है अपने कटाक्ष के द्वारा धन्य कर रहे हैं। ये जो बाल अवस्था में ही ये सारा लीलाएँ यहाँ संपादन हुई। इस तरह से कृष्ण यहाँ आए, कृष्ण जब यहाँ आए तो उनको पता लगा कि जो यहाँ कालियाँ के ऐसा प्रभाव ऐसा विष का प्रभाव है, इस विष के प्रभाव से क्या हो रहा है ये ब्रज में इसको रहना नहीं चाहिए। उस समय जो कुछ गायें यहाँ के पानी पी ली और वहीं जो एक विष के प्रभाव से भगवान के गायें जो हैं वो चिन्ह में ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी लीला बस्ता ये सब कुछ लीलाएँ बस्ता हो रहा है। गायें जो क्या हुए प्राणहीन हो गई, प्राण हो गए। उसके बाद जो है पास में ही कृष्ण खेल कूद इत्यादि कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बहाना बनाया कि जो कहीं बनाने के गेंद को फेंक दिया ऐसे करके और उसके लाने के बहाने वो इसी वृक्ष के ऊपर चल के, इसके उसी का वंशज है यहाँ जो कह दे कि वृक्ष जो है सतयुग से ही आ रहा है ऐसा। ये कोई यही एक वृक्ष जीवित था उस समय, वैसे कृष्ण इसी वृक्ष पर चल के वो जमुना जी में हलद में कूदे। वहाँ जो कृष्ण ने छलांग लगाया तो ये जो जल जो है
कहते हैं कि कितने धनुष ऊपर इसका पानी उछला। जब कालिया को ये पता लगा कृष्ण उसमें तैर रहे हैं कि एक, तब वो जगा और जो कृष्ण के साथ भीड़ गया, युद्ध करने लगा कृष्ण के साथ, अपना जो असहनीय जो विष है उसको उगलने लगा। विष के प्रभाव से कृष्ण को जलाकर भस्म कर देना चाहता था, लेकिन जो कृष्ण जो है कोई तो जड़ वस्तु नहीं है, कृष्ण के शरीर ऐसा नहीं कि संसार की कोई अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो विष है उसका प्रभाव उस पर पड़ सके, कुछ नहीं कर पाया। फिर जो है कृष्ण को जो अपने अपने फेटे में जकड़ लिया पूरी तरह से, जब जकड़ लिया तो इधर जो सखा इत्यादि हैं इधर ब्रज में सबको पता लग गया, सब आ गए थे किनारे पे आ गए थे, सब पता लग गया। तो जो तब हाय हाय थका कर रहे थे, बहुत सखा चुम मूर्छित होकर गिर गए। कुछ गायें दूर खड़ी है वो जो रोदन कर रही है कृष्ण की अवस्था देख। उसके बाद कृष्ण ने अपने को खूब पतला कर लिया, उसके फेटे से बाहर निकल गए। फिर जो इस तरह से अब दंशन करने की बहुत ही प्रयास कर रहा है, फिर जो कृष्ण ने क्या किया उसको जो है अपने आप को जो एक बार जो है फिर पेटा में बदला, फिर जो बाधा फिर दोबारा से, तो उसके बाद मोटा कर दिया अपने को, मोटा कर दिया तो कृष्ण उसका सांप का गांठ गांठ टूट गया। फिर जो ऊपर चले, ऊपर चढ़ के उसके उसके जो फन है उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं कृष्ण, नृत्य करने लगे। अब कालिया का तो सारा बल जाता रहा और क्या हुआ, मुंह से रक्त उगलने लगा। इस तरह से अब जो उसको पता लग गया कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसके बाद जो है कृष्ण उनके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ये सब ये दृश्य को सब देवी देवता सब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बहुत जो नर्तक देखे, ऐसा नर्तक जो सांप के फन पर नृत्य करता हो ये कभी हमने देखा नहीं। शिव जी नटराज हैं, फिर भी जो है कृष्ण नटराजों की भी ऊपर हैं, उनसे भी बढ़ के यहाँ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। उसके बाद जब उसके पहले क्या हुआ, जब कृष्ण ने कालिया को मार देना चाहते थे, जब इस जब अपने पैरों की जब चरणों की प्रहार करते थे, इतना चरणों का प्रभाव इतना भयंकर था कि एक खून उगलता रहा। जब उस समय कालिया की पत्नियां जो आके प्रार्थना कर रही है, नागकुल शुरू से ही भक्त रहा है, इसमें कितने कितने उदाहरण मिलते हैं। इसलिए जो नाग पत्नियाँ जो है सुनती थी कृष्ण के विषय में, जानती थी, इस कारण क्या थी भगवान की भक्त थी, इस कारण वो अनेक अनेक प्रश्न किया है, कस्य अनुभव वश्य न विद्मे तो अंग्री रेणु स्पर्शाधिकार यजवान सा ललना चपो बिहाय कमान सुचरण धित बता। कहे कि कालिया ने कौन सी ऐसा तप कर लिया जी, जिस चरण रेणु को ब्रह्मा लक्ष्मी इत्यादि के लिए इत्पाद पंकज नखचंद्र मणि छटाया, दीपुरजितम की अपनी वो पदोष दर्शी पुनः अरुणाग्र सागर सार मूर्ति तम्राधिका चरण रेणु मन स्मरण। ये राधा के चरण रेणु की बात आई, लेकिन कृष्ण के चरण रेणु की जो ये कालिया के मस्तक पर जो पड़ा कृष्ण के चरण रेणु, इस तक क्या तपस्या किया कालिया ने, कालिया प्रार्थना कर रही। जो लक्ष्मी जिसको प्राप्त करने की इच्छा करती है, महेशियों के अंदर जो इच्छा बनी हुई है, जिसके अनेक अनेक ब्रह्मा यम ब्रह्मा सुख नारद भीष्म मुख सबके इच्छा हो रहे हैं, तरह सब लोग इच्छा कर रहे हैं। वो जो चरण धूली उसके मस्तक एक पड़ा, इस तरह से और भी जो कालिया नाग की जय, कालिया नाग की जय, मुरारी प्रभु की जय। एक दो बात सुन लो, गुरुदेव कहा करते थे, गुरुदेव बोलते थे, टीकाकार लोग कहते हैं कि जो जिस समय कृष्ण कालियों को सर पर भगवान ने नृत्य किया, जो कालियो इतना खल स्वभाव का था, फिर इसके अंदर में भगवान के प्रति शरणागति कैसे आई, वो तो खल था ना, कालियो तो खल था, तो उनको भगवान के प्रति उनकी शरणागति कैसे आई, इसका कारण हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कहते उनका जो पत्नियाँ थी ना नाग पत्नी हैं, वो थी सबके सब कृष्ण भक्त, वो बीच बीच में वो कृष्ण कथा सुनाया करती थी। जब कृष्ण कथा सुनाती थी एक तरह का क्या हुआ, कृष्ण कथा सुनने पर उनका भक्त है, जब भक्त से मुंह से जब कृष्ण कथा सुनेंगे क्या होगा, बोले भक्तिस्तु भगवत भक्त संग न परि जाए, तो भक्ति कैसे मिलती है, बोले भक्तों का संग से मिलती है, चूँकि उनका पत्नियाँ भक्त थी, वो कथा सुन सुन करके पहले उसका हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज बोया हुआ था। लेकिन अगर कोई जमीन उसर जमीन हो, अगर उसमें कहीं बीज बो ना खेती होगा उसर जमीन में,
वो जमीनी ईश्वर है, वो दुष्ट बदमाशी है, कहता है भगवान भगवान क्या है, भगवान भगवान कुछ नहीं, मैं ही भगवान। इसलिए उसका जमीन था ईश्वर, लेकिन वो ईश्वर जमीनी में जो बीज भैया मतलब जो कथा सुने वो इतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब कृष्ण ने इसको सर पर नृत्य किया, नृत्य करने पर क्या हुआ, बास भगवान का चरण पड़ते ही, भगवान का चरण कैसे है, और दुर्लभ कल यद्यपि समाधिशु विधिर अपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की छटा तक भी जो दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे भगवान की चरण है। लेकिन ऐसे चरण जब उनका सर को ऊपर में पड़ा, क्या हुआ, बास जैसे कोई पौधा हो ना, वृक्ष नहीं हो रहे, अगर जैसे पानी दे दो ना, जैसे उसमें अंकुर दो पत्ते फिर उसमें टहनियां निकल जाती हैं, इसलिए कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही मानो उसमें जैसे खेती का काम हो गया, उसमें पानी देने का काम हो गया, जब पानी देने का काम हो गया उसको हृदय में धीरे धीरे अंकुर, फिर धीरे धीरे भक्ति की लता बढ़ने लगी, जब भक्ति की लता बढ़ने लग गई फिर तो इधर क्या हुआ, जो नाग पत्नी का जो पत्नियां थी ना वो बोल रही थी मर जाए तो अच्छा ही, ये मर जाए तो अच्छा, क्योंकि एक में तो भजन करता ही नहीं, पर ये हमें भजन करने भी देता नहीं, जो भजन करे नहीं और भजन करने नहीं देता है, पर भैया ऐसे पति का क्या जरूरत है। इसलिए कहते जिनके प्रिय ना राम वैदे ही तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह, वो परम स्नेह का पात्र क्यों नहीं हो, अगर कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देनी चाहिए। इसलिए कहते गुरु न सस्यात् सो जनन न सस्यात् पति न सस्यात् दैव न तत्सन्न पति, इसलिए वो पति पति नहीं, वो स्त्री स्त्री नहीं, वो परिवार परिवार नहीं, जो हमें भगवान की भजन में मदद नहीं करते हैं। इसलिए काली पत्नियां दूर से खड़ी अगर सोच रहे थे मर जाए तो अच्छा है, उसको मुंह जब खून उबल रहा था ना, बोलिए मर जाए तो अच्छा है, कंठ का चला जाएगा का, उसका हम तो भजन कर सकते हैं ना, क्योंकि जीवन क्यों मिला, भजन के लिए तो मिला है ना, अगर जीवन में सब कुछ तुम्हारे जीवन में मिला लेकिन जो असली जो चीज भजन है, भजन नहीं हो पाया, पर जीवन रहना नहीं रहना बराबर है, वो जीवन का कोई महत्व नहीं है, हैं गधा सुअर क्या नहीं जिंदा रहते हैं, इसलिए सोचे थे मर जाए तो अच्छा। लेकिन जब भगवान की चरण स्पर्श होने लग गया, उसका हृदय से भक्ति की लता उगने लग गई, अभी वो मन में सोच रहे हैं हमारी पत्नियां जो कहती सच कह रही थी, ये कृष्ण भगवान है, मैंने गरुड़ से भी युद्ध किया है, हाँ गरुड़ भी युद्ध मैंने किया है, लेकिन उतना कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ये केवल 6 साल का बालक मेरे सर पर खड़ा हुआ लगता है, ये विश्व ब्रह्मांड का सारे बोझ जैसे मेरे सर पर आ गया, सचमुच से ये भगवान है। मेरी पत्नियां सही कहती थी, इसका मन मन में ना शरणागति का भाव आ गया, पत्नियां जब दूर से देख रही थी अरे ये तो सुधर गया, अभी तो हम तो सोचते सुधरेगा नहीं, ये तो सुधर गया, भगवान के चरण पड़ा है ना, भगवान के चरण स्पर्श हो गया है, जो चरणों को लक्ष्मी भी जिस चरण को सेवा करती है, और ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चित पद, ये सारे देवा देवियों के चरण पूजित ये पद है, हैं वो पद कोई साधारण पद है, साधारण नहीं, इसलिए बोले ये तो भक्त बन गया अभी, अगर पति अगर भक्त बन जाता है ना, बोले भैया ऐसे पति रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो नाग पत्नियां थी, अब लोग ने महाभारत देखे हो, जब अर्जुन गया था पाताल लोक में, नाग कुछ उल्लू पिसे शादी किया, कौन शादी किया, अर्जुन ने शादी किया उल्लू पिसे, वो नाग उसे नाग कन्या हुए हैं, वो बड़ी सुंदर थी, इसलिए कहती जो नाग पत्नियां बड़ी देखने में बड़ी सुंदर थी, अगर किसका स्त्री बड़ी सुंदर हो लेकिन पति कम उम्र मर जाए फिर क्या होगा, जो दूसरे व्यक्ति है ना उसको ऊपर बुरी भावना में देखने शुरू कर देते हैं, जानते उसको पीछे कोई सपोर्ट करने वाले कोई नहीं, इसलिए अभी वो सोच रही है हम तो देखने में सुंदर है, अगर हमारे पति हो, अगर स्त्रियां मांग भरती ना सिंदूर लगाती हैं, क्या होता है दूसरे व्यक्ति देखते ही पता चलता है ये किसी शरण में है, ये बिना शरण के नहीं, उसको ऊपर अपने कुदृष्टि कोई नहीं डालते हैं, इसलिए अगर हमारी पत्नी पति रहेगा फिर क्या होगा, कोई दूसरे जो नाग है वो हमारे ऊपर में बुरे नजर नहीं डालेंगे, अगर हम पति विहीन हो जाएंगे, इतना सुंदर ही है, दूसरा कोई आकर के हमारे ऊपर में फिर प्रभुत्व विस्तार करेंगे, इसलिए पति अगर भजन करता है फिर पति रहनी चाहिए। इसलिए फिर उन लोगों ने बाहर निकल करके आए और आकर के भगवान को स्तुति करने लग गए, कृष्ण ने कहा देखो मैं उसको नहीं मारूंगा क्योंकि तुम लोग इनकी पत्नी हो, हैं
इसलिए पत्नी हो केवल इसका अंदर में जो अहंकार था वो अहंकार में केवल दूर कर रहा था, इसको नहीं मारूंगा इसको है। इसलिए उन लोगों ने अपना बच्चियों को, क्योंकि बच्चों को देखने पर क्या होता है, अरे इनका छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, हृदय में स्वाभाविक रूप में दया की भावना आती है, दया की भावना आती है। इसलिए बच्चों को लेकर के आई और उन्हें कृष्ण चरण में शरणागत हो गई। भगवान उसको छोड़ दिए, छोड़ करके उन्होंने भगवान को बोले, प्रभु जैसे आप गरुड़ के ऊपर में पीठ में कभी कभी बैठते हो, कभी कभी मेरे को भी अपना सेवा में लगाओ। मैं एक मुहूर्त में वहाँ पर बताया कितने जोजन तक मैं जा सकता हूँ, कितने जोजन तक मेरी गति है, इसलिए प्रभु मेरे को भी सेवा में लगाओ। भगवान क्या सेवा में लगाए, उसको तो यहाँ से भगा दिया, कहाँ रमण दिग्दीप भगा दिया। उनको दो स्वरूप लिया है, एक स्वरूप में तो रमण के दीप चला गया, गोलोक वृंदावन में भगवान का धाम में गए। इसलिए उन्होंने कहा, देखो जिस समय आपकी जल विहार करने की इच्छा होगी उसी समय में हमें बुला दिया करो। इसलिए कृष्णा जब चाहते हैं जल विहार करेंगे, यमुना में कालिया को बुलाते हैं और कालिया को सर के ऊपर में कृष्णा, उनका जो सखियां हैं ये सब के सब उनका सर के ऊपर में बैठते हैं और कालिया क्या करता है, इनको जल विहार कराते हैं। बोलोगे वृंदावन में इनकी जल विहार कराते हैं है? और दूसरा से क्या है, देखो जो वैष्णव अपराध है ना, ये बड़ा खतरा है, इसलिए साधु सावधान। इसलिए 10 तरह का जो अपराध है, लेकिन इसमें गुरु अवज्ञा सबसे खतरा होता है, लेकिन उन्होंने गुरु अवज्ञा उसमें नहीं दिया। पहले अपराध क्या, वैष्णव निंदा, क्योंकि गुरु का प्रति कभी कभी हमारे गौरव बुद्धि रहता है, लेकिन वैष्णव के प्रति गौरव बुद्धि नहीं रहता है। अरे ऐसे ही व्यक्ति है, गुरु के प्रति तो गौरव करते हैं लेकिन वैष्णव के प्रति अनादर हो जाता है। इसलिए ये सौभर ऋषि 60,000 साल उन्होंने पानी में बैठकर भजन किया था, कितना दिन, 60,000 साल उसने। लेकिन एक दिन गरुड़ ने आया, एक मछली खा लिया, तो अभी उनका जो बच्चे रोने लग गए, अभी उनकी रोने का भावना देख करके इस सौभर ऋषि का हृदय में दया, कहा 60,000 साल उसने तपस्या किया पानी के अंदर में, लेकिन मछली के अंदर में काम भाव देख करके, मछली को अंदर में काम क्रीड़ा देख करके इसके हृदय में भी काम की वासना हुआ, उसने मां राजकुमारी प्राप्त वाले नहीं। बोले कृष्ण भक्ति में जो आनंद है, कृष्ण भक्ति में जो रस है, बोले कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु, कृष्ण प्रेमानंद जी आनंद सिंधु। कहते कृष्ण भक्ति रस में जो आनंद है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी, कहते ये कृष्ण प्रेमानंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, इतने आनंद कृष्ण भक्ति रस में। कहते ये पृथ्वी लोक में जो आनंद है उससे 100 गुण ज़्यादा आनंद स्वर्ग में, स्वर्ग में जो आनंद है उसका 100 गुण मोहलोक में, मोहलोक में जो आनंद है उसका तपलोक में उसके 100 गुण, ऐसे करते करते ब्रह्मलोक तक, फिर उसको बाद में जो भगवान की जो ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का लोक, उसको पर जो बिरह जी का बाद जो ब्रह्मलोक है, कहते तो आनंद का कोई सीमा नहीं है। लेकिन कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है, वैकुंठ आनंद, सारे आनंद उसको सामने फीका। इसलिए कहाँ उन्होंने अखंड ब्रह्मचारी को रखा करके, कहाँ उन्होंने भगवान का प्रेम रस आस्वादन करनी चाहिए, उसने क्या किया, संसार का भोग में लगा दिया। संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पति से, लेकिन जब काली आगे रहने लग गया ना, सारे मछली खत्म, मतलब भाई वैष्णव अपराध हो जाए ना भैया, एक दिन सारे के सब ध्वंस हो जाएगी तुम्हारी, वो कुछ नहीं रहेगा है, सारे ध्वंस, ये भी ध्वंस, सब ध्वंस हो गया, सब खराब हो गया है। कहते ये वृक्ष पर यहाँ पर क्यों था, तब गुरुदेव यहाँ पर दो तीन कारण बोलते थे। पहला कारण है, ये कोई कृष्ण भक्त था, ये कोई कृष्ण भक्त था, इसी लोभ से ये था, जब भगवान द्वापर युग में आएंगे मेरे ऊपर भगवान चढ़ेंगे। स्वर्ग राजा इंद्र पता नहीं कितना बार सुअर हुआ खा करके।